दुनिया भर में टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा की कई कहानियां चर्चित हैं, परंतु कई लोग इसे अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। वहीं कई लोग का मानना है कि समय यात्रा मुमकिन है। आज हमारी वीडियो भी इसी विषय से संबंधित है। हम टाइम ट्रैवल की कहानियां केवल बताएंगे ही नहीं, परंतु उन्हें दिखाएंगे भी और उनके पीछे उनका कुछ रहस्य जानने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, ऐसी घटनाओं पर गौर फरमाते हैं। हाकन नॉट क्वेस्ट। हाकन ने कहा कि उन्होंने अपना भविष्य देखा है और उनके पास इस बात का सबूत भी है। अगस्त 2006 में जब उनके किचन सिंक से पानी बह रहा था, तब वह उसे सही करने के लिए अपने घर के टनल में गए। तभी उनको एक रोशनी दिखाई दी, जिसकी ओर बढ़ने पर वह भविष्य की दुनिया में चले गए। उन्हें पता था कि कोई उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें वह दोनों हाकन नॉट क्वेस्ट साथ में हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कुछ सामान्य भी लग रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों हाकन नॉट क्वेस्ट के हाथों पर एक जैसा टैटू बना था। जहाँ भविष्य के हाकन का टैटू थोड़ा खिंचा हुआ था, वहीं अब के हाकन का टैटू बिल्कुल सही था। यह वीडियो चर्चित होने के बाद हाकन पर कई लोगों ने सवाल उठाए, परंतु एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह खुश है कि वो अपने भविष्य से मिले हैं। बॉक्सिंग मैच। सन 1995 के एक बॉक्सिंग मैच में जो माइक टाइसन और पीटर मैकनीली के बीच में हो रहा था, उस समय में ली गई वीडियो में यह पाया गया कि कोई व्यक्ति उस मैच को अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर रहा था। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि उस समय स्मार्टफोन का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था, और तो और कैमरा फोन का आविष्कार भी सन 2000 में किया गया था। इस वीडियो के YouTube पर आने के बाद यह बहुत चर्चा में आई और कुछ ही समय में इसको लाखों दर्शकों ने देख लिया। कई लोगों ने इस पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि वह कोई स्मार्टफोन नहीं, परंतु उस समय का कैसियो का कैमरा है। सोचने की बात यह है कि अगर वह कैमरा था तो वह इंसान उसे टेढ़ा करते हुए क्यों तस्वीर ले रहा था। वह टेढ़ा करते हुए तस्वीर ले भी रहा था। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि उस समय कैसियो का कैमरा सफेद रंग का आता ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि वह इंसान क्या सच में एक टाइम ट्रैवलर था या नहीं। चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन की सन 1928 की एक फिल्म के एक सीन में कुछ ऐसा देखा गया जो सबको हैरान परेशान कर दे, क्योंकि उस एक सीन में एक महिला फोन पर बात करते हुए जा रही थी। परंतु सोचने वाली बात यह है कि वह महिला फोन पर बात कैसे कर सकती थी, क्योंकि उस समय तक फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। बल्कि फोन का आविष्कार तो सन 1970 के दशक में हुआ था और वह मोबाइल फोन लगभग 1 फीट लंबा हुआ करता था। तो वह महिला किस पर बात कर रही थी? कई लोगों ने कहा कि वह रेडियो सुन रही थी, परंतु 1928 में रेडियो का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। इस वीडियो के देखने के बाद कई सवाल उठे। कईयों ने कहा कि अगर वो टाइम ट्रैवलर थी तो उस समय फिल्म निर्देशक और अन्य सदस्यों के दिमाग में यह बात कैसे नहीं आई कि वह एक टाइम ट्रैवलर है। जापान ट्रक एक्सीडेंट। यह वीडियो जापान के रोड सीसीटीवी से ली गई है, जिसमें एक ट्रक एक रिक्शा वाले से टकराने ही जा रहा था, तभी एक लड़की ने अचानक से आकर उसे बचा लिया। ट्रक वाले ने ट्रक से बाहर आकर देखा कि कहीं उसने किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, और वह ये सब देखकर चकित रह जाता है कि वह रिक्शा वाला उससे बहुत दूरी पर था। इस वीडियो में जो लड़की दिखी है वह और भी कई जगहों पर कैमरे में कैद की गई है। जापान के समुद्र के किनारे के पास जब कोई वहां तस्वीर ले रहा था, तभी वह लड़की वहां से गुजर रही थी, और जब लोगों को उस लड़की के पास किसी शक्ति होने का अंदेशा हुआ तो वह उसकी वीडियो बनाने लगा। यह जानने पर कि कोई उसकी वीडियो बना रहा है, वह लड़की वहां से भागने लगी। और एक जगह जाकर गायब हो गई। इसके अलावा एक डिपार्टमेंटल स्टोर की वीडियो में भी यह लड़की दिखाई दी थी और उसमें भी इस लड़की के पास अद्भुत शक्ति होने का सबूत मिला था। इतने कैमरों में कैद होने के बावजूद किसी भी कैमरे में इस लड़की की शक्ल नहीं दिखाई दी और इस लड़की के बारे में आज तक कुछ पता नहीं लग पाया। एक चोर। यह वीडियो भी दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा से ली गई है। रात के समय में जब दुकान बंद थी तब वहां एक लड़का आता है और बिना दुकान का दरवाजा खोले अंदर घुस जाता है और एक आइसक्रीम लेके बाहर आता है। उसे ऐसा करते देख दुकान के बाहर सोया आदमी भी चकित रह जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब वह लड़का दुकान के बाहर आया था तब कैमरे का समय 2016 से 2019 में बार बार बदलते जा रहा था। कई लोगों का ये मानना है कि यह वीडियो VFX द्वारा एडिट की गई है और जानबूझकर समय बदलते हुए दिखाया गया है, परंतु अभी तक कोई भी इस वीडियो पर अपना सही तर्क नहीं रख पाया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टाइम ट्रैवल के किस्से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रोचक और रहस्यमय कहानियां लाते रहेंगे।